कैसे आप सभी लोग और मैं हूं बिल और आप देख रहे हो बिलू टेक्निकल। तो दोस्तों अगर आपको हमारा इंट्रो पसंद आया तो जरूर से जो है लाइक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना भूलिएगा मत। और दोस्तों ये वीडियो जो है स्पेशली मोटो जीबी 15 के ऊपर बना रहा हूं, तो दोस्तों काफी जो है हमारे सब्सक्राइबर्स है रकीब मंडल जी और बाकी सब, तो उन्होंने जो है कहा कि जो है कोई अच्छी ग्राफिक वाली गेम बताओ, तो किसी ने कहा कि बहुत अच्छी ग्राफिक वाली रेसिंग गेम बताओ। दोस्तों मैं आज आपको बाइक रेसिंग की गेम बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका नाम है मोटो जीबी 15। आप में से 50% लोगों को ये पता ही होगा जरूर से। दोस्तों ये जो गेम है ये दोस्तों बहुत ही मशहूर गेम है और मोटो जीबी 15, और दोस्तों ये जो गेम है ये बाइक रेसिंग की गेम है, तो दोस्तों आपको इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों ये पूरी की पूरी जो है इसी की तरह दिखती है। दोस्तों ये जो है ओरिजिनल मोटो जीबी 15 नहीं है, तो दोस्तों पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ ये दोस्तों सेम टू सेम SBK 15 है, जो कि उनके ही डेवलपर ने जो है ओरिजिनली निकाली है। तो काफी लोगों ने आप में से खेली होगी ये गेम, तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस गेम को जो आपको कैसे डाउनलोड करना है। और दोस्तों जो मेन बात है दोस्तों इसमें भी ग्राफिक जो है बहुत ही वैसे के वैसे ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। और दोस्तों ये भी जो है उतनी डिफिकल्टी की है, और दोस्तों इसमें जो आपको सब कुछ मिल जाता है, टूर्नामेंट मोड हो, चाहे वो करियर मोड हो, चाहे आपका कुछ अलग ऑनलाइन मोड हो, जैसे दोस्तों आपको जो है सभी प्रकार के जो है मोड्स इसमें खेलने को मिल जाते हैं। और दोस्तों गेम भी जो है बहुत ही अच्छी है। दोस्तों ये जो है फुल्ली जो है मोटो जीबी 15 की तरह दिखती है। और दोस्तों अगर आपको SBK 16 जो कि मोटो जीबी 16 की तरह दिखने वाली गेम, वो भी अगर आपको चाहिए तो जरूर से बता दीजिए। पर दोस्तों वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, सेम वैसी है, पर दोस्तों SBK 15 जो थी वो सबसे बेस्ट थी। तो दोस्तों मैं आज आपको ये वीडियो में वही बताने वाला हूँ कैसे जो आपने मोटो जीबी 15 की तरह एक गेम जो कि पीसी के लिए है मोटो जीबी 15, अभी हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे चलाए। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो SBK रखा है नाम, अगर उसका नाम मोटो जीबी रखते हैं तो फुल्ली जो है वो मोबाइल के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों कुछ भी फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा जो है मैप वगैरह में फ़र्क होगा, बाकी सब जो है आपको ऐसे ही जो है मैप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और ग्राफिक भी दोस्तों सेम ऐसे ही है। अभी दोस्तों आप जो स्क्रीन पे गेम प्ले देख रहे हैं वो जो है ओरिजिनल मोटो जीबी 15 का है, इसमें और उसमें दोस्तों काफ़ी कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों अभी मैं आपको जल्द से जल्द जो है दिखा देता हूँ कि इसे जो है कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके पहले दोस्तों बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया, और नोटिफिकेशन बार को दबाना भूलेगा मत, नहीं तो घंटे को दबा दीजिए, और जो है ज़रूर से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो इसको डाउनलोड करना है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी होगी SBK 15 की, इसको जो आपको ओपन करना है, आपको इस पेज पे लिखे आ जाएगी SBK 15 ऑफिशियल मोबाइल गेम। तो आपको जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाते हैं, और आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन है उस पर जो है क्लिक कर देना है। जिसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं आपको जो एक ऐसा पेज पर आ जाएगा कंपेटेबल फाइल्स, तो यहाँ पर आपको जो है एंड्रॉइड 4.0.3 का जो MB है इसको जो डाउनलोड पर क्लिक करके इसको जो APK डाउनलोड कर लेना है, और वैसे ही जो आपको गेम कैच में जो डेटा है उसको भी डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड हो जाए दोस्तों आपको जो अपना ऐप ओपन करना है जेड अचीवर, इसको जो अपने प्ले स्टोर से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, 2 से 3 MB की ऐप है। और उसके बाद जो आपको एमुलेटेड जीरो और जहाँ पर आपने डाउनलोड किया था यूसी डाउनलोड्स में मैंने किया, तो यहाँ से आपको जो APK इंस्टॉल कर लेना है और जिप फाइल को जो है व्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपको IT डिटेल्स का जो SBK 15 मिलता है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जाके जो आपको एमुलेटेड जीरो एंड्रॉयड और OBV के फिल्टर में जो इसे पेस्ट कर देना है। मैं नहीं करूँगा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पहले ही है, तो हम जो डायरेक्टली जो अभी गेम को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो SBK 15 जो है हमने गेम पहले ही थोड़ी कर ली है स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं तो पहले जो है लोडिंग में टाइम लगता है, तो मैंने आपके लिए जो है पहले ही थोड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप जो ये ग्राफिक्स वगैरह का मज़ा देख सकते हैं कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स हैं। तो दोस्तों ये जो पहले बूट अप करते हैं ये गेम तो थोड़ा टाइम लेती है गेम, तो ये जो है मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मोटो जीपी में, तो मेरे मोबाइल में PC में भी थी मोटो जीपी 12, उसमें भी मैं जो है ठीक से नहीं खेल पाता था, मुझे जो है ये बाइक रेसिंग की गेम्स ठीक से समझती नहीं है। कार रेसिंग में कहीं भी कर लूँ नीड फॉर स्पीड वगैरह, पर ये बाइक रेसिंग मुझे समझ में नहीं आती यार, स्पीड बहुत करती है। तो दोस्तों आपको जो है मैं थोड़ा सा गेम प्ले देना चाहता था, आपको जो है सन इफेक्ट्स वगैरह इफेक्ट्स देख सकते हैं इस गेम के। और दोस्तों आपको जो गेम का जो वॉल्यूम वगैरह मिलता है वो भी ज़्यादा है, ये मैंने जो है अपने कमेंटर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए गेम का वॉल्यूम जो है कम कर लिया है। ठीक है, तो आप जो इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं, ओ नो वापस से मैं बाहर निकल चुका हूँ, ये रोड है यहाँ पर ही चलना है आपको, अगर इसके बाहर चले जाते हैं आप तो जो है आप ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं और आपको जो है फिर वापस आने में रिकवर करने में टाइम लग जाता है। चलिए दोस्तों हम जो ये पूरी रेस कर ही लेते हैं, पूरी नहीं पर थोड़ी आपको दिखाई देते हैं। कौन से नंबर पे हैं हम वैसे, 22, मतलब कितने लोगों ने हिस्सा लिया है इसमें। स्पीड कम करनी चाहिए आपको जो है टर्न पे, मुझे इतना तो पता ही है। और राइट साइड को जो लेफ्ट साइड को जो आपको ब्रेक मिलता है, और राइट साइड में जो है एक्सेलेटर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप एक्सेलेटर को छोड़ते हैं वो थोड़ी थोड़ी स्पीड जो है कम करने लग जाता है, पूरी नहीं कम करता।
और ये जो इंसान जो है मैन्युअली है, मींस ऑटोमेटिक है, तो आप जो अगर कभी टर्न आता है वगैरह तो आप जो स्पीड कम करते तो खुद ब खुद जो एडजस्ट कर लेता है ठीक से। तो आप देख सकते हैं ये जो अपने ऑटोमेटिक स्पीड पे चल रहा है, मैं स्पीड कितनी पकड़ी तो भी स्पीड नहीं पकड़ रही है गाड़ी, ऑटोमेटिक पे जो है ये है। तो आप जी ये गियर जो है सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं मैन्युअली में। दोस्तों अभी आज के लिए इतना ही, मैं दोस्तों आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिल्लू टेक्निक।